नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज कुछ पर्सनल बात करेंगे कंट्रियों के। तो भाई, जितनी जानकारी मेरे पास होती है मैं बताता रहता हूं। रिक्वेस्ट आपसे है कि आप किसी कंट्री में रह रहे हैं और मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं, वीडियो वॉच कर रहे हैं, आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन है कोई वीडियो तो मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं लोगों के साथ भी शेयर करूँ। क्योंकि भाई, मैं कोई भगवान तो उन्हीं की बैठे बैठे मेरे पास इंक्वायरी आती रहेंगी, मैं आपको देता रहूँगा। इधर उधर से करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कोई जानकारी सही मिलती है। बाकी फेक इंक्वायरी तो कितनी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बात करूंगा आप लोगों से, आप जो मेरा वीडियो अभी की टाइम देख रहे हो, जिसमें कोई भी आप हो सकते हो। आपने एक बात नोट करी कि अभी की कंडीशन में इंडिया में लगभग महीने भर से लोग ये कंडीशन चल रहा है। जब से मैं देख रहा हूँ, आपको तो शायद इतना नहीं पता होगा, मैं ये देख रहा हूँ कि जब से इंडिया में महीना भर हो गया इस सिस्टम को डाउन है, विदेश जाने वाला काम बंद हो गया महीने भर से, आपको पता होगा। और आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करते होंगे, सबको सब्सक्राइब भी कर रखा होगा, उनके वीडियो भी आप रोज़ देखते होंगे कि आज कनाडा का वीडियो डाले जा रहे हैं, आज ऑस्ट्रेलिया, आज दुबई, आज कतर, आज जापान, सिंगापुर के कितने वीडियो आते थे, इटली भेज दें, ये भेज दें। क्या अब वो वीडियो आ रहे हैं? अब नहीं आ रहे, क्योंकि अब काम तो बंद है। मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मेरी जो थिंकिंग आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अब काम तो बंद है। जो स्वार्थ का काम था, जो वीडियो डालने से पैसे आने वाले थे कि एक वीडियो डाले 10,000 पहुंचे, एक बंदा फंस गया, 20-30-50,000 कमा लिए, वो स्वार्थ वाला तो धंधा बंद हो गया। अब आप नोट करना कि जिन लोगों को आप कमेंट करते थे, लाइक करते थे, क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो विदेश से रिलेटेड आपके पास सही जानकारी, सही मोटिवेशनल वीडियो पहुंचाएं? चाहे आप विदेश में बैठे हो, चाहे आप यहाँ बैठे हो, आपने उनको सब्सक्राइब कर रखा है तो उनकी 100% जिम्मेदारी बनती है कि वो आप तक सही जानकारी पहुंचाएं इस हालात में, कि कौन सी देश में क्या हालात चल रहे हैं, आपके लिए क्या होने वाला, आपके लिए क्या नुकसान होने वाला। लेकिन नहीं, मैं देख रहा हूँ जो लोग मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आते थे रोज़ के, उनको आज वीडियो डाले एक एक महीना हो चुका है। क्योंकि अब उनको क्या जरूरत है यार, उनको कोई जरूरत नहीं, उनके स्वार्थ के वीडियो तो वो डाल नहीं सकते कि हमारे पास ये जॉब आया जी, आप आ जाओ। अब तो वो वीडियो डालने पड़ेंगे जो फ्री फोकट में इंक्वायरी देनी होती है, जिससे कोई इनकम नहीं होती उनको, वो वीडियो वो नहीं डालते, पैसे कमाए आराम से घर पर रेस्ट कर रहे हैं। ये स्थिति है, जिन्होंने आप लोगों ने जिनको सब्सक्राइब कर रखा है, जिनके नोटिफिकेशन आपके पास आते थे, जिनको आप वॉच करते थे। आप देखिए अपने सिस्टम में जाके देखिए, आप अपने माइंड में यहाँ पे कि यार आपने उसको फॉलो, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, नाम लेने से दिक्कत होती है, तो आप अपने अपने माइंड में फॉलो कीजिए कि यार अपन जिसके वीडियो रोज़ वॉच करते थे, अब उनको वीडियो आ रहे हैं नहीं आ रहे? अब वही लोग वीडियो डालते हैं जो एजेंट नहीं है, या जो विदेश में बैठे हैं, जो इंक्वायरी लोगों के साथ शेयर कर देते हैं थोड़ी बहुत जो होती है, बाकी वीडियो नहीं आ रहे। तो ये आप लोगों के लिए भी सबक होना चाहिए कि ये स्थिति है, कि मुश्किल घड़ी में आप लोगों के पास जानकारी पहुंचाना उस बंदे का 100% फर्ज है जिनका आप रेगुलर वीडियो वॉच करते थे। स्वार्थ में तो यार पूरी दुनिया जीती है, कभी फ्री सेवा करके भी देख लो, कोई नहीं करता भाई। मैं दिन को लोगों को जानता हूँ ना, जो रोज़ वीडियो डालते थे, रोज़ वीडियो आते थे, आज हमारे पास उस देश की कंट्री की इंटरव्यू, आज ये है, आज वो है, हमने उतने का वीज़ा लगाया, मेरे आज इतने आदमी जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, आप ऑफिस में ये, उनके वीडियो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? लोग वीडियो बना के बोलते हैं कि आप 15 दिन से वीडियो डालेंगे, आप 7 दिन से वीडियो डालेंगे, क्योंकि उनके पास टॉपिक नहीं है और फ्री की सेवा आपको देना नहीं चाहते। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात भाई देखिए, मैं बता दूं, आप लोगों के पास अगर आप किसी कंट्री में रह रहे हैं, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, मैं वो जानकारी लोगों तक पहुंचाऊंगा, ताकि उनको कुछ बेनिफिट हो सके, घर बैठे जानकारी उनको मिल सके, जिस किसी भी कंट्री में वो लोग रहते हैं या जिस कंट्री में वो जाना चाहते हैं। तीसरी बात साथियों, मैं बता दूं, जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने मुझे फीस दी थी मार्च में, मैं मार्च की बात कर रहा हूँ, ये अभी 7 अप्रैल, यानी पूरे पिछले महीने में जिन्होंने भी मुझे फीस दी थी, आगे आपको पता है लॉकडाउन हो गया या फिर ये सिस्टम हो गया क्लोज, तो आप ये मत मानना भाई आपने मुझे 500 रुपये दिए, आपको कुछ मिला नहीं, आपकी जानकारी अधूरी रह गई, वो महीने का टाइम पूरा हो गया, दोबारा फीस देनी पड़ेगी। जिन्होंने मार्च में, अप्रैल में तो किसी ने फीस नहीं दी, मार्च में जिन्होंने कुछ 15-20 बंदों ने शायद मुझे फीस दी थी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आगे जब भी लॉकडाउन ओपन हो, सिस्टम रीस्टार्ट हो, तो आप जब भी आपका रीस्टार्ट हो, तो आप मुझसे दोबारा कांटेक्ट करें, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, मैं आपकी उसी फीस में आपको जो भी मेरे से हेल्प होगी मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है साथियों, मेन इंपॉर्टेंट यही थी, बाकी दो ही मेरे क्वेश्चन थे कि भाई आपके एजेंट कहाँ है, सबके सब गायब हो गए, कोई इंक्वायरी नहीं दे रहा, कोई वीडियो नहीं डाल रहा है, क्योंकि उनका स्वार्थ खत्म हो गया।
अब फ्री में कोई सेवा नहीं करना चाहता। दूसरा इन्फॉर्मेशन मेरा था जिन्होंने मुझे मार्च में फीस दी, उनको भाई पैसे मुझे दिए हैं, वो ख़राब नहीं होंगे। 500 रुपये फीस आपने, जब भी लॉकडाउन होगा सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो आप मेरे से दोबारा से इंक्वायरी ले सकते हैं, कोई फीस दोबारा से नहीं लगेगी। बस ये इंक्वायरी थी साथियों। वीडियो अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से लाइक करें, शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज़ आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।